त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 10 के लिए संस्कृत का पेपर है दोस्तों, वो यहाँ पे आ चुका है। आप फटाफट पूरा पेपर देख सकते हैं। यहाँ पे सारा क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पे अवेलेबल करवाया जा रहा है। सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से देख लेना है। चलिए दोस्तों, मैं सारे प्रश्नों को आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा, आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए दोस्तों अपन स्टार्ट कर लेते हैं आपका प्रश्न पत्र जो कि है कक्षा 10वीं के लिए त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 संस्कृत। यहाँ पे देखिए आपका पहला क्वेश्चन है जो कि आपको उचित विकल्प देना है, यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो चार क्वेश्चन आपके आते हैं उनमें से आपको करना है। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखेंगे, पठितम इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो इसमें जो प्रत्यय है, ठीक है, प्रत्यय और उपसर्ग आपको पता होगा। उपसर्ग क्या होता है, जो पहले लगते हैं शब्द के, और प्रत्यय क्या होता है, जो शब्द के अंत में लगते हैं। अब आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे धनवान इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, इसमें भी आपको प्रत्यय पूछा गया है। यहाँ पे देखिए अजा इतस्मिन् पदे प्रत्यय, इसमें भी आपको प्रत्यय पूछा गया है। ये सारे क्वेश्चन आपको देख लेने हैं, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ स्लाइड करके। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5, 6 इनको आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 आपका जाता है, वृद्धा धेनु दुग्धम न दधाति इतस्मिन् वाक्य विशेषण पदम अस्ति, इसमें विशेषण की बात की गई है। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे कि वृद्धा धेनु, मतलब जो वर्ध गाय वगैरह हो जाती है वह दूध नहीं दे पाती है, तो इसकी विशेषता क्या हो जाएगी यहाँ पे, विशेषता क्या है यहाँ पे, दूध देना उसकी क्या है, उसका गुण है। तो यहाँ पे वृद्धा हो जाएगी, धेनु दुग्धम या ददाती, तो उसकी विशेषता पूछी गई है। विशेषण में क्या होती है, जिसकी जो विशेषता होती है, जैसे कि राम काला है, तो यहाँ पे काला उसकी विशेषता हो जाती है, ठीक है। इसी प्रकार इसकी विशेषता आपको बतानी है। आगे देखिए एक पदेन उत्तर संस्कृत भाषा में आपको लिखना है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे आपको 7 क्वेश्चन दिए गए हैं, 7ों क्वेश्चन आपको पढ़ लेने हैं, कैसे कैसे आपके पेपर में छपने वाले हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन हो गया, गुणी की व्यति मनुष्याणाम महान रिपु का, ठीक है, कश्यका का आशी कृतज्ञता पदस्य विलोम पद किम, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा इस प्रकार से। इसके बाद देखिए यहाँ पे मुखम इतस्य पदस्य पर्याय पद लिखा है, इसके पर्याय पद लिखना है। ये सब दोस्तों आपको संस्कृत में लिखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे देखिए ये भी आपको 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, साथ ही साथ यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है, दोनों में से आप कोई सा भी भरेंगे यहाँ पे। जैसे कि फलम शब्दस्य द्वितीय विभक्ति शब्द रूप अस्ति, तो इसमें द्वितीय रूप है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो वो आपको बनना है, तो ये सारा आपको कर लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे शुद्ध वाक्य बनाना है आपको, और शुद्ध के साथ आपको आम लिखना है, अशुद्ध के सामने आपने न लिखना है। तो यहाँ पे देखिए ये सारा आपको दिया गया है, इनको आपको अच्छे से देख लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको पूछा जाएगा, उसमें आपको युग्म मेलन कुरत, मतलब जो आपको मिलान करने वाले हैं वो आपके आ जाएंगे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आ गया सज्जन, तो सज्जन का क्या हो जाएगा आपका, सत प्लस जन, तो इसमें कौन सी संधि आपकी आ जाएगी वो यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। इसमें व्यंजन संधि आ गई। इस प्रकार मन प्लस हर में क्या हो जाएगा, मनोहर हो जाएगा, ये देखिए इसमें मिल गया। पीताम्बर, पीताम्बर में आपका बहुवीरी समास हो जाएगा। यथाशक्ति, यथाशक्ति में अव्ययी समास हो जाएगा। महेश में कौन सी हो जाएगी आपकी, महाधन ईस, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, महादिन, इसमें कौन सी हो जाएगी आपकी। इसके बाद देखिए यण संधि का उदाहरण कौन सा पूछ गया, ये सब आपको बताने हैं। इसके बाद देखिए जन्म किमर्थ पदार्थि गच्छि, ये आपके क्वेश्चन आ गए। इसके बाद ये आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेने हैं। देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको स्लाइड करके दिखा देता हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए अधोलिखेषु पर जो प्रश्न दिए गए हैं आपको, ठीक है, तृणानाम प्रश्ननामी उत्तराणी संस्कृत भाषाएं वाक्यान लिखने, तो 3 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं, 4 में से कोई भी। इसके बाद देखिए 5 में से। इसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए द्वे शब्दों रूप शब्द रूपाणी निर्देशानुसार लिखिए, तो यहाँ पे इनका रूपांतरण आपको बताना है। इसके बाद देखिए पितृ इत पदस्य विभक्ति वचनम च लिखत। इसके बाद देखिए एक आपको अधोलिखित एक गद्यांश दिया जाएगा, वो आपको पढ़ना है। ये देखिए पूरा दिया गया यहाँ पे, संप्राति अस्माकम देशो स्वतंत्र तो अस्ति, किंतु देखिए स्वतंत्रता से रिलेटेड है वो यहाँ पे आपको एक पैसेज दिया गया है। अब यहाँ पे इसके क्वेश्चन दिए गए हैं, वो आपको पढ़ के कर लेने हैं। इसके बाद देखिए 13 नंबर में आपको क्या पूछा जाएगा यहाँ पे, अधोलिखित एक पद्यांश दिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है, श्लोक टाइप का, वो आपको पढ़ना है। यहाँ पे देखिए ये दिया गया आपको, ये पढ़ने के बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका आपको आंसर देना है। चलिए आगे देखते हैं अपन, ये सारा देख लीजिए आप, मैं लड़ करके बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में आप देखेंगे प्रश्न पत्र स्व समागतान श्लोकान विहान स्व पाठ्य पुस्तक स्वभाषित लिखे, यानी
जो आपके पेपर में आए उसके अलावा आपको क्या करना है, पाठ्य पुस्तक के जो भी श्लोक है वो आपको यहाँ पे लिखने हैं कोई भी। इसके बाद देखिए स्व प्राचार्य स्वकृते पंच दिवस अवकाश एवं प्रार्थना पत्र संस्कृत भाषा में लिखे, 5 दिन का आपको अवकाश चाहिए, उसके बारे में आपको एक एप्लीकेशन है वो एक अवकाश पत्र लिखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अधोलिखित वाक्यनाम कथा अनुसारण क्रम संयोजनम कुरत, इनको क्रम के हिसाब से बैठाना है, ठीक है, मतलब जैसे उल्टा पल्टा लिखे गए तो इनको आपको सही से अरेंज करना है। तो ये दोस्तों मैंने सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न पत्र आपको दे दिया है, पूरा पेपर आपको यहाँ पे मिल जाता है, आप इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ से प्रश्न आने वाले हैं आपके। तो हमने देखा है कौन सा त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 के लिए कक्षा 10 संस्कृत का। इसके बाद दोस्तों हम और भी पेपर आपको अपलोड कर देंगे, कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब रखें, धन्यवाद।